तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। कांतारा मूवी के ट्रेलर आने से पहले ऋषभ शेट्टी को जानता ही कौन था, क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर आने के बाद और मूवी आने के बाद इतना बड़ा हाइप बनाती हुई ऋषभ शेट्टी की ये मूवी कि भैया जी सोच भी नहीं सकते हो। मैंने फर्स्ट वाली जब जाके मूवी देखी थी थिएटर्स में, फर्स्ट डे का 300, उसके बाद ही मेरे को अंदाजा तो हो गया था कि ये मूवी कुछ बड़ा करके दिखाएगी, लेकिन इतना बड़ा कर जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं कि भैया जी 16 करोड़ के बजट में बनने वाली मूवी से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, कि आपको किस लेवल का VFX देखने को मिलेगा, किस तरीके का सिनेमाटोग्राफी होगी और किस तरीके का आपको बैकग्राउंड म्यूजिक होगा। लेकिन ये मूवी साबित करती है पैसा डिपेंड नहीं करता है, स्किल सबसे ज्यादा मैटर करती है। और आज के टाइम पे अगर आपके पास कम पैसा है बट आपके पास स्किल अच्छा है तो आप एक ऐसी मूवी तैयार कर सकते हो जो आपके सामने है, नाम है कांतारा। जिस तरीके से देखा जाए इस मूवी की स्टोरी को तो भैया इस मूवी के लीड हीरो ऋषभ शेट्टी ने ही लिखा, और भैया जी होमली प्रोडक्शन में बनने के बाद ये मूवी एक मास्टरपीस बन जाती है। और मूवी जिस तरीके से ओवरऑल कलेक्शन करने पे तुल गई है ना भैया, मैं बता रहा हूँ ये 1000 करोड़ कब क्रॉस कर जाएगी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भैया जी अभी ये मूवी इस वीकेंड के लास्ट तक भी 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। और मूवी की स्टोरी तो इतनी ज्यादा लाजवाब है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक मूवी की स्टोरी में एक राजा जो अपनी पूरी पूरी की पूरी धन दौलत के बजाय एक पत्थर को चुनता है जिसे लोग देवता मानते हैं, लेकिन जब उसी के वंशज 200 सालों के बाद उसी जमीन को वापस लेना चाहते हैं तो वो देवता नाराज होता है, और उसी नाराज का पूरा प्रकोप पूरा गाँव झेलता है। पूरे जंगल में इस तरीके की सिनेमेटोग्राफी, इस तरीके का भाई साहब सीन्स और बैकग्राउंड म्यूजिक हर जगह आपको इस लेवल का मजा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और भाई साहब ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग, मैंने ये मूवी उस हीरो की पहली मूवी देखी और उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि क्यों साउथ सिनेमा इतना ज़्यादा हाई और इतना ज़्यादा बिल्डअप होता चला जा रहा है, क्योंकि भैया जी ये मूवी पैसा नहीं कमाना चाहती है, ये मूवी प्यार कमाना चाहती है। और जस्ट बिकॉज अगर आप प्यार दोगे तो मूवी खुद ब खुद पैसा कमा लेगी, उसको ज़रूरत नहीं है। और यही वो चीज़ें थी जो बॉलीवुड को सीखनी चाहिए थी साउथ सिनेमा से, और बॉलीवुड को आज कहीं और होना चाहिए था, लेकिन यही क्वालिटीज़ तो बॉलीवुड ने कभी अपनाई ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हमेशा पैसा कमाना चाहती थी। और ये साउथ सिनेमा सिर्फ और सिर्फ लोगों का प्यार कमाना चाहती है, पैसों तो खुद ब खुद चल के आते हैं भाई। भैया जी अगर अभी तक आपने इस मास लेवल टाइप की मूवीज़ को नहीं देखा है तो आप इतनी बड़ी मास्टरपीस मिस कर जाओगे जिसे आप बड़े पर्दे पे नहीं देख पाओगे, और आप जब बाद में इसे मोबाइल स्क्रीन पर देखोगे तब आपको अफसोस होगा कि भैया इसको मैंने बड़े पर्दे पे देखना चाहिए था। और हर डायलॉग्स हर सीन्स के बाद सीटी बजाने का वो मौका आप खो दोगे जो आप बाद में इतना ज्यादा पछताओगे कि सोच भी नहीं सकते। प्लीज जाके इसे सिनेमा में देखो, मजा ना आ जाए तो मेरे को कह देना। और भैया जी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियोस आपके पास लाता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।